सेमरिया रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और प्रशासन कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है। दो हादसे पहले भी हो चुके हैं, वहीं शुक्रवार को एक बार फिर से हादसा हो गया। बता दें कि बीड़ा सेमरिया मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से एक सप्ताह के भीतर 3 हादसे हो चुके हैं। ठेकेदार ने सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करते हुए न तो कोई सांकेतिक बोर्ड लगाया है और न ही कोई डायवर्ट मार्ग बनाया गया है। शुक्रवार को पुरैनी मोड़ के पास खेत जा रही महिला को स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। आज रीवा सिमरिया जो रोड है इस पे एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें लोगों ने लाश को रख के यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाई है। यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस चक्के जाम को जल्दी जल्दी हटवा लिया जाए। FIR भी दर्ज कराई जा रही है, साथ ही साथ जो मृतिका है वो संबल भी उसका बना हुआ है, तो अंत्येष्टि सहायता और जो संबल में मृत होने पर जो सहायता दी जाती है उसको नियमानुसार सहायता हम लोग दे रहे हैं। अभी और कितनी जाने लेगा उदित इंफ्रा कंपनी? 2 जाने जा चुकी है, तीसरी जान आज चली गई। बीड़ा सेमरिया मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि उदित इंफ्रा कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। ठेका श्रीजी कंपनी गुजरात को मिला और उदित इंफ्रा के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। 2 जाने गई, उसमें कहीं न कहीं प्रशासन मौके पर पहुंचा और उसके द्वारा यह कहकर के बात टाल दी गई कि मार्ग कायम कर लिया गया है, विवेचना चल रही। विवेचना अभी कितने दिन चलेगी और कितने दिन उस माँ को इंसाफ मिलेगा जिसकी गोद सूनी हुई? यह उदित कंपनी, उदित इंफ्रा कंपनी किसकी है मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्व विधायक अभय मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत भी रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनके बेटे की उदित इंफ्रा कंपनी है, जो कि 94 करोड़ के आसपास लागत से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, उसी राशि में पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है। रीवा तरफ से तेज रफ्तार की स्कॉर्पियो आती है और महिला को ठोकर मार के और निकल जाती है। गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा यह कंपनी पर आरोप लगाए गए हैं, 2-2 हत्याएं हो गई, 2-2 एक्सीडेंट हो गया, लेकिन प्रशासन अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं किया और आज तीसरी जान चली गई। तो अभय मिश्रा के इतने बड़े हाथ है कि कहीं ना कहीं प्रशासन उनके दबाव में है और भोपाल तक उनके हाथ पहुंच रहे हैं, पावर है, जिसके चलते उस पर किसी प्रकार से कार्यवाही नहीं हो रही। आखिर उदित इंफ्रा कंपनी इतनी बड़ी है, अभय मिश्रा पूर्व विधायक थे, उनके बेटे की कंपनी है, तो अभी ग्रामीणों के द्वारा यह सवाल पूछा जा रहा है कि अभी कितनी जाने अभय मिश्रा के बेटे की उदित इंफ्रा कंपनी जाने लेगा। 2 जान गई, तीसरी आज चली गई और 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि मांग रहे हैं। क्या प्रशासन और उदित इंफ्रा कंपनी के मालिक के द्वारा क्या ग्रामीणों की बात मानी जाएगी? क्या उदित इंफ्रा कंपनी के ऊपर हत्या का मामला पंजीबद्ध होगा? यह एक प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालिया निशान लग रहे हैं कि पूरी जानकारी होते हुए भी आखिर कंपनी को क्यों बचाया जा रहा है? क्या उसके हाथ इतने लंबे हो गए हैं कि प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाहता? और जिस माँ की गोद सोनी हुई, क्या उस माँ को इंसाफ मिलेगा या प्रशासन दबाव में रह जाएगा? आज बहुत सारी बातें हुई और 50 लाख की डिमांड मांगी गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा, क्या उदित इंफ्रा कंपनी के मालिक के द्वारा परिजनों को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाती है, मांग पूरी? अभी और कितनी